हेलो दोस्तों, मैं उमेश। आज हम जानेंगे कि महिंद्रा जीतो की जो गाड़ी होती है उसका इनर लुक कैसा है, आउटर लुक कैसा है, प्लस उसका इंजन कैसा है, मतलब इंजन किस तरह काम करता है, ये सब जानेंगे। और इंजन मतलब इंजन जो है ऑटो के इंजन से कितना सिमिलरिटी है, कितना मिलता जुलता है। तो चलिए आगे बढ़कर हम जानते हैं। तो पहले आप सामने आएंगे तो इसमें एक ही वाइपर लगा हुआ है, देख सकते हैं इसका लुक जो है ये ऐसा है। हेडलाइट भी ठीक ठाक, हेडलाइट दो हेडलाइट लगी हुई है, इंडिकेटर भी है और ये लोगो भी लगा हुआ है महिंद्रा का। और इधर से देखें तो इधर भी लुक बढ़िया है महिंद्रा जीतो का। साथ ही साथ अब ये आउटर लुक देख सकते हैं आप, ये पूरी गाड़ी है पीछे से ऐसा है। इसमें भी पाइप वगैरह रखा हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है। अंदर आए तो अंदर का लुक ऐसा है कि यहाँ पर जो है दो सीट लगी हुई है, जिसमें एक ड्राइवर सीट है और ये वाली सीट में दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, मतलब तीन व्यक्ति बड़े आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। और स्टीयरिंग बिल्कुल जो बड़े पिकअप होते हैं उनके तरह का है, मतलब मशीन ठीक ठाक बढ़िया लोगो लगा हुआ है यहाँ पर। ये है गियर, ये एक दो तीन चार गियर, चार गियर की गाड़ी है, एक रिवर्स गियर है और एस्केलेटर ब्रेक क्लच इसमें भी दिया हुआ है। ये है हैंड ब्रेक, यहाँ पर डिग्गी है छोटे मोटे कुछ सामान रखने के लिए और कुछ हल्के फुल्के सामान आप यहाँ भी रख सकते हैं, ऊपर भी कुछ सामान रख सकते हैं जैसा कि ये रखा हुआ है। आईना भी दिया ताकि पीछे का बैक साइड देख सकें और उधर जो है साइड ग्लास भी लगे हुए हैं देखा जा सकता है। यहाँ पर ये है बैटरी और ये यहाँ पर दिख रहा होगा ये है टंकी गाड़ी की, वो है अगले चक्का कंडीशन और ये है ये वाले चक्के का आगे वाले चक्के की। ये देख सकते हैं ऐसा बना हुआ है, ये है देख सकते हैं ऐसा कंडीशन है। नीचे से इंजन जो है ऐसा दिखता है, टैक्सी के इंजन से काफी मिलता जुलता इंजन है महिंद्रा जीतो का। महिंद्रा जीतो ने अपनी महिंद्रा जब टैक्सी निकाली थी उसका ही इंजन इसमें लगाया है ताकि गाड़ी जो है ये पिकअप छोटी पिकअप एवरेज ज्यादा दे सके। एवरेज के मामले में बहुत अच्छी गाड़ी होती है महिंद्रा जीतो। दिख रहा होगा ये पूरा इंजन है, पाइप लगे हुए हैं, वायरिंग है, ये है कूलेंट वाला डिब्बा, ये है चक्के, ये इसमें 12 नंबर टायर के लगते हैं। ये दिख रहा होगा 155/80D12, इसके डिप्स बहुत हैवी हैं। और आके अब हम देखते हैं कि ये इसका इंजन, उससे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो है ये 6 फीट की है, इसकी 4 फीट इसकी चौड़ाई है और 6 फीट इसकी जो है लंबाई है इसके टाली की, मतलब 4 फीट चौड़ाई और 6 फीट लंबाई है। आप ऊंचाई भी देख सकते हैं 4 फीट से ज्यादा ही है, मतलब आप अपने हिसाब से ऊंचाई बना सकते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि ये जो है बॉडी वो नहीं लग पाते, इतना सा रहता है उनका और फिर भी सामान ढोने के लिए भाड़ा ढोने के लिए फिर यूज करते हैं लोकल। अब ये है गाड़ी की इंजन, ये है क्लच प्लेट का और यहाँ से होता है ऑयल चेक। हम आपको ऑयल चेक करके दिखाते हैं कि ऑयल इसे अभी कितना है। अब यहाँ से आप भी जब भी गाड़ी स्टार्ट करें महिंद्रा जीतो गाड़ी में एक समस्या ये आती है कि इसमें ऑयल जो है कम हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है ऑयल की टंकी होती है जो है 2 लीटर की होती है, इसलिए आप ऑयल की टंकी जो है छोटी होने के कारण आपको समस्या आ सकती है। इसलिए आप हमेशा जब भी गाड़ी स्टार्ट करें, कभी गाड़ी चलाने जाएं सवेरे, तो एक बार जरूर चेक कर लें ये ऑयल है कि नहीं इसमें। अभी देख सकते हैं गाइस इसमें ऑयल अभी है, मतलब दो जो खूंटी लगा हुआ है उसके बराबर से है ऑयल, मतलब ठीक कंडीशन में है अभी ऑयल है, क्योंकि इसका ऑयल जो है कल ही पलटी हुआ है। ये यहाँ से ऑयल डालते हैं, ये ऑयल वाला है यहाँ से खोल के, आप जब भी ऑयल कम हो जाए तो डाल सकते हैं। ये
इसको टाइट कर दें। ये है गैर का वायर, ये जो है गैर में जो भी वायर वायरिंग मतलब आप गैर लगाएंगे तो यहाँ से ये है गैर बक्सा, ये बैक गैर का है, ये वो गैर के हैं। यहाँ से इंजन चालू होता है, ये है बेल्ट, ये है साइलेंसर का, और ये दिख रहा होगा इधर, ये जो है एयर फिल्टर है, और वो जो है दिख रहा है वो है ऑयल फिल्टर। ये है साका, मतलब ये साका वाली गाड़ी है, इसमें कमानी नहीं लगा हुआ है, मतलब महिंद्रा जीतो ने ये गाड़ी निकाला है तो इसमें साकब दिया है, कमानी नहीं दिया है। आप महिंद्रा की जीतो की गाड़ी को सर्विसिंग अच्छे से कराएं, क्योंकि इसमें महिंद्रा जीतो की गाड़ी में एक प्रॉब्लम ये आती है, स्टार्ट ना होने की प्रॉब्लम आती है इससे, और इसमें ऑयल जो है कम हो जाता है, ये समस्या आ जाती है। इसलिए आप इसकी सर्विसिंग सही समय पर कराते रहें, और जो भी कार है जैसे कि छोटे मोटे गाड़ी को रोज जब भी गाड़ी चलाने से पहले धुलाई कर लें, इसी अच्छे से कपड़े से पोंछ लें, मतलब अच्छे से इसकी सफाई कर लें कपड़े से, और ऑयल चेक करते रहें, एयर फिल्टर भी जो लगा हुआ है ये इसको साफ करते रहें, तो जो है शिकायत जो है कम होती है, एक शिकायत जो है कम होती है महिंद्रा जीतो में, फिर स्टार्ट होने की गाड़ी में मतलब प्रॉब्लम कम हो जाती है। ये है साकअप वाली गाड़ी, आप देख सकते हैं यहाँ से, ये आपने देखा गाइस इंजन की तो आप देख सकते हैं गाइस इसका, ये जो हमने दिखाया कि इंजन कैसा है, बॉडी कैसा है, इनर लुक कैसा है, आउटर लुक कैसा है, आप महिंद्रा गाड़ी खरीद सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी कमा सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी एवरेज ज़्यादा देती है, और साथ ही साथ ये इसमें ये समस्या आती है कि स्टार्ट होने से संबंधित, तो आप छोटे मोटे बातों का ध्यान रख करके गाड़ी की लाइफ जो है बढ़ा सकते हैं। और भी कुछ फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मैकेनिक को दिखाइए। वैसे सस्ते में मतलब ठीक ही है महिंद्रा जी, तो कोई घाटे का सौदा नहीं होता है, अगर आपके पास काम है या फिर आपका खुद का काम है, जैसे कि सामान यहाँ से वहाँ लाना ले जाना, या फिर कहीं आप लगा देते हैं कोई विभाग में तो वहाँ से पैसा आ रहा है, मतलब ये सब के लिए ठीक है महिंद्रा जी। तो और भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं भाड़ा, मतलब आप अगर पैसा कमाएंगे महिंद्रा जी से तो फायदा है, नहीं तो फिर खड़ी रहेगी तो अपने आप कोई भी गाड़ी हो खराब ही होने लगती है। तो आप भी महिंद्रा जी तो खरीद सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अपना खुद का रिस्क लेकर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप महिंद्रा जी तो गाड़ी खरीदो ही, आप अपने खुद के ऑन रिस्क से लेकर खरीद सकते हैं और अपना व्यवसाय कर सकते हैं। आई होप यू गाइस वेरी एंजॉइंग इन दिस वीडियो। अभी अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास वाली बेल के बटन को जरूर ऑन कर लेना, जिससे हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको पहले मिल जाए। हम इस तरह की गाड़ियों से रिव्यू से संबंधित हर प्रकार की गाड़ियों के बारे में बताते रहते हैं कि कोई भी गाड़ी है कैसे काम करता है, इसका इनर लुक आउटर लुक कैसा है, तो हर प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं गाड़ियों से संबंधित, व्हीकल से संबंधित। तो प्लीज़ अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जब भी ऐसा वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको पहले मिले। और हाँ, बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, और यह वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सी बातें आपको अच्छी लगी वो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए वो भी नीचे लिखकर हमें को जरूर बताना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।